लखनऊ की रैली में हेलो जीत कर आए हुए किसान मजदूर साथियों, मोदी के 7 साल के कार्यकाल दौरान मोदी ने हर बार मनमानी की है, अपनी मर्जी के फैसले करता रहा है, किसी से पूछा नहीं है। भाई पड़ेगा ये जो फैसला तीन कानूनों वाला है, ये भी इसका अपना फैसला था और इसने जितने फैसले किए हैं इसको कभी किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। जब इसका फैसला आया तो हम लोग इकट्ठे हुए, हमने फैसला किया कि ये हमारी रोटी का सवाल है, ये मर मिटने का सवाल है, इसको इकट्ठे होकर सिर जोड़कर जवाब देना होगा। और हम पूरे प्रोसेस से और कॉन्फिडेंस से कह सके थे कि अगर हमारे सिर जुड़ गए तो इस मोदी को दुनिया के चौराहे में चित करके दिखाएंगे, और चित कर दिया। हमने जो बोला था इसको, अगर आप बोल रहे हैं कि चलो इसने बोल दिया कि हमने तीनों कानून रद्द करने का फैसला कर लिया, लेकिन उसकी भाषा के अंदर जो बेईमानी हमें नजर आई वो ये बात थी कि हम भारत के लोगों से माफी मांगते हैं, हमारी तपस्या कामयाब नहीं हो सकी, वो साथियों आपसे माफी नहीं मांगा, उसने माफी कारपोरेट किराड़ों से पूंजीपतियों से माफी मांगा था। और उन्होंने बोला है कि हम इन लोगों को गुमराह करने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। जो कुछ लोग हैं कुछ लोगों की बात भी बोल गया, और अभी शक होता है कि कानून रद्द करने का फैसला तो हो गया कि संसद के अंदर पेश करने के लिए वो इसको कानून में क्या लिखता है। और दूसरी बात यह है, ये फैसला जो किया है मोदी साहब ने, हमारी जथेबंदियां जो 1 साल से आंदोलन कर रही हैं, उनके साथ किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं हुआ, सीधा फैसला सुना दिया। और इस कानूनों के साथ हमारे बहुत सारी बातें और हैं, एमएसपी बात है, उन्हें बिजली कानून की बात खड़ी हुई है, पराली बारी खड़ी है, चीजों को कंपनसेशन की बात खड़ी हुई है, केसों की वापसी की बात खड़ी हुई है, बहुत सारी बातें हमारी बाकी हैं, जिसके लिए हमने कल उसको पत्र दे दिया है। जब तक ये बातें पूरी नहीं होती ये आंदोलन चलता रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा, इस बात का हमने फैसला कर लिया है। अगली जो बात जिसके लिए हमने ये रैली की है 22 तारीख की लखनऊ में, वो बात ये है कि लखीमपुर के अंदर जो खीरी के अंदर घटना हुई है, हमारे 4 किसानों से गाड़ी के लतार कर मार दिया, उसका मुख्य दोषी अजय मिश्रा का परिवार है, अजय मिश्रा के लड़के को पर्चा डाल के जेल में डाल दिया, और ये सारी कार्रवाई कराने का मुख्य दोषी अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह मंत्री है, वो अपने अहदे पर बरकरार है। मोदी साहब आपको शर्मानी चाहिए, आपको शर्मानी चाहिए कि एक कातिल आदमी का लखनऊ के अंदर सम्मान हो रहा है, शहरों में जाता उसका सम्मान हो रहा है, उसकी रहनुमाई में इंक्वायरी हो रही है, उसकी रहनुमाई में लोग पड़ताल कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है कि एक कातिल परिवार का नुमाइंदा, एक कातिल परिवार का मुखिया जो कातिल किराए के लिए खुद जिम्मेवार है, वो अहदे पर किस लिए विराजमान है। आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ लें कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद 4 तारीख को जो बयान आ जाए मिश्रा का, अगर मेरा लड़का इस कत्ल में
हुआ तो हम अहदे से इस्तीफा दे देंगे। क्या इस्तीफा दे लिया? फिर इस्तीफा दिया भी नहीं और आपने लिया भी नहीं। आपसे इस बात का जवाब मांगे थे, समाने से जवाब ना दे दे। एक बात बता देना चाहते हैं कि कंधपाल लिखा पढ़ लो कि लखनऊ की रैली आपको इतराज करती है, आपको एक बात की सूचना देती है कि खबरदार हो, अगर कातिलों की मदद करेंगे आप तो आने वाले समय में ये लोग आपको सिर जोड़कर जवाब देंगे। ना आप होंगे और ना आपकी हुकूमत जहां होगी और ना मुड़कर सपना लेना कभी इस कुर्सी के ऊपर आने का। इसलिए साथियों हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी जीत तो हो गई लेकिन संपूर्ण जीत नहीं हुई है, वो बाकी है। एक बड़ा मसला बाकी है जो यूपी हरियाणा और पंजाब का नहीं जो पूरी देश का है, एमएसपी का कानून बनाना, मिनिमम सपोर्ट सप्लाई का कानून बनाना। वो कानून बनाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस लिए सबको सिर जोड़ने पड़ेंगे और संयुक्त मोर्चा का तो एकजुट रहना पड़ेगा और एक बड़ी कार्य करनी पड़ेगी। फिर हम आंदोलन सकून जित करेंगे जब कानून बढ़कर काफी हमारे हाथ में आएगी। धन्यवाद।